नहीं सकते, लेकिन एक कविता के जरिए मैं अपनी बात समेटनी चाहूंगा। देश में नफरत की राजनीति का बोलबाला है, देश में नफरत की राजनीति का बोलबाला है। आम लोगों का निकल चुका दिवाला है, सोने की दुकानों पर लोहे का ताला है। देश में नफरत की राजनीति का बोलबाला है, आम लोगों का निकल चुका दिवाला है, सोने की दुकानों पर लोहे का ताला है। अल्पसंख्यक हर रोज डर के माहौल में रहते हैं। सरकार जी बता दीजिए, क्या इन्हीं को अच्छे दिन कहते हैं? छोटा व्यापारी और किसान हो चुका है दिवालिया, छोटा व्यापारी और किसान हो चुका है दिवालिया। 9,000 करोड़ लेकर विदेश में विजय मना रहा है कोई मालिया। दुश्मन दुश्मन हर रोज बॉर्डर पार कर रहे हैं, हर रोज हमारे जांबाज जवान मर रहे हैं। 10 सर काट कर लाएंगे अगर वो एक काटते हैं, लेकिन मोदी जी नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटते हैं। एक तरफ हैप्पी बर्थडे टू यू, दूसरी तरफ खून के दरिया बहते हैं। सरकार जी बता दीजिए, क्या इन्हीं को अच्छे दिन कहते हैं? काले धन के बारे में कुछ लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, अध्यक्ष महोदय, काले धन के बारे में कुछ लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। 15 लाख की रकम लिखने से पहले स्याही सूख जाती है। हर वादा झुमला निकला, अब तो यह भी शक है क्या चाय बनानी आती है। काले धन के बारे में कुछ लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में कुछ लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। 15 लाख की रकम लिखने से पहले स्याही सूख जाती है। हर वादा झुमला निकला, अब तो शक है क्या चाय बनानी आती है। करोड़ों लोगों के पास पानी नहीं है पीने को, क्या रेडियो पर ही सुनते रहे 56 इंच के सीने को। प्रधानमंत्री तो विदेश की सैर पर रहते हैं, चलो प्रधानमंत्री जी किसी विदेशी रैली के जरिए बता दो, क्या इन्हीं को अच्छे दिन कहते हैं? अब बारी पंजाब की है। पंजाब में शरेआम नशा बिकता है, पंजाब में शरेआम नशा बिकता है। एक बाप अपने नौजवान बेटे के कफन पर प्रधानमंत्री जी के लिए मेमोरेंडम लिखता है, क्या अभी भी कुछ भी आपको गलत नहीं दिखता है? पंजाब के पानियों के साथ इंसाफ कीजिए, पंजाब के किसानों का कर्जा माफ कीजिए जो हर रोज गले में फंदा डालकर पेड़ पर लटकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी बता दीजिए, क्या इन्हीं को अच्छे दिन कहते हैं? समाप्त करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत।